हेलो व्हाट्सअप गाइस, आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज भी जो है हम करने वाले हैं पोको M6 Pro 5G का BGMI टेस्ट। पर आज के इस टेस्ट में जो है हम करने वाले हैं इसका एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट, और साथ ही जो है हम बूट कैंप टेस्ट भी इसका करने वाले हैं। आज मैंने लॉगिन किया अपना मेन आईडी। हालांकि इस फ़ोन में जायरोस्कोप काफ़ी ज़्यादा डिले है, मैंने अपने सामने कैमरा लगा रखा है और साथ ही जो है मैंने ईयरफोन भी नहीं लगा रखा, तो गेमिंग तो मैं अच्छे से कर नहीं पाऊँगा, शायद मैं एक भी किल ना कर पाऊँ। लेकिन मेरा मेन मकसद है कि आपको दिखा दूँ कि वहाँ पे इवेंट पे जो है ये फ़ोन जो है सर्वाइव कर पाता है या फिर नहीं। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने गेम के अंदर। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं सेटिंग पे और देख लेते हैं ग्राफिक सेटिंग। तो ग्राफिक सेटिंग जो है ये स्मूथ पर अल्ट्रा यानी कि 40 FPS की गेमिंग कराता है, और जब हम हाई पे चले जाते हैं तो ये आ जाता है HD, यानी कि HD पे हमें हाई और स्मूथ पे अल्ट्रा जो है हमको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम स्मूथ और अल्ट्रा करके जो है वो गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम उतरते हैं ड्रॉप पे और देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस हमको ये फ़ोन निकाल के देता है। तो हम आ चुके हैं गेम के अंदर, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छा हमको परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि 40 FPS जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी हम गेम बूस्टर जो है वो ऑन कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले जो है हम मेमोरी वगैरह क्लियर कर लेते हैं। और इसके बाद जो हम क्या करेंगे, गेम बूस्टर जो है उसको हम इनेबल कर लेंगे, परफॉर्मेंस मोड जो है वो हमारा ऑन रहेगा। ठीक है, ड्रॉप के समय जो है वो हल्का फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला है, पर फिर से जो है वो इसने मेंटेन कर लिया है। लगभग 40 FPS के आसपास का जो है हमको FPS देखने को मिल रहा है। अभी नीचे पहुंचने के बाद जो हम देखते हैं कि इसके परफॉर्मेंस में क्या डिप आता है, क्या बहुत ज़्यादा लैग होता है या फिर खेलने लायक होता है गेम। तो हम नीचे यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। हम लोग आ गए हैं और गेम अभी भी बहुत ज़्यादा बंदे उतरे हैं यहाँ पे, मैं ऊपर कैमरा करना भूल गया, पर बहुत ज़्यादा ही बंदे उतरे हैं। और फिर भी जो है उतना ज़्यादा लैग तो नहीं, पर थोड़ा बहुत जो है वो लैग तो देखने को मिल रहा है। एकदम से 40 FPS तो नहीं दे रहा, थोड़ा सा जो है वो डिप आया तो है परफॉर्मेंस में। हाँ, पर फिर भी एक कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी फ़ोन में कि हम एकदम से बहुत ज़्यादा लैग होता है और हम बिल्कुल खेल ही नहीं पाते, वैसा परफॉर्मेंस जो है नहीं इसमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी हद तक ठीक ठाक है और गेम हम इस पर खेल सकते हैं। ये देखो बंदा, मेरे को पता है मैं इसको मार तो नहीं पाऊँगा। अरे क्या ही लैग, क्या ही लैग, बहुत खतरनाक लैग हुआ यहाँ पे, अटक सा गया था। बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पे। अरे मर गया, मेरे को पता ही था बिना जैरो के मैं खेल ही नहीं सकता, और ऊपर से यहाँ पे कैमरा मैंने सामने लगा रखा है, सही से विजन नहीं आ रहा, और एक मैंने हेडफोन भी नहीं लगा रखा, तो पता ही नहीं चल रहा बंदे किधर से आ रहे हैं। चलो मैं फिर से वहीं पे ड्रॉप लेता हूँ, डबल टेस्टिंग हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो है हम बूट कैंप टेस्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरा स्टैट्स जो है वो लगातार ख़राब हो रहा है। ये रैंक्ड मैच मैंने लगाया है और इस पर मैंने 4-5 मैच भी मैं खेल के ट्राई कर सकता था अच्छे मैच के लिए, लेकिन अब क्या ही करूँ, मेरा स्टैट्स ख़राब हो रहा है तो मैं ज़्यादा मैच खेल नहीं सकता। मेन मकसद जो है वो परफॉर्मेंस दिखाना है, जो कि मैंने दिखाया इसमें। मैं कंक्लूज़न जो है वो लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं, पर आपने देखा है परफॉर्मेंस जो था वो ठीक ठाक था। चलो अब दूसरा बार जो है हम यहाँ पे ड्रॉप लेते हैं, हालांकि थोड़ा दूर तो हो गया, मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाऊँगा शायद से, देखते हैं जहाँ तक पहुँच पाते हैं वहाँ से फिर चल के जाएंगे। चलो ठीक है, वापस से इवेंट पे तो पहुंच गए हैं। वो रहा एक बंदा,
और चलो नॉक तो हुआ कम से कम वो। अरे अरे अबे भाई ये कहाँ से मार दिया भाई, बिल्कुल भी स्पॉट नहीं हुआ था। तो अब हमने एक और एरेंगा लगा लिया है, पर इस बार अनरैंक लगाया मैंने। बूट कैंप मैंने खेला था 2-3 मैच, पर उसमें बंदे बूट कैंप पर आ ही नहीं रहे, उसमें सारे बंदे इवेंट पे ही चले जा रहे हैं। इवेंट का ड्रॉप मैंने ऑलरेडी दिखा रखा था, तो बूट कैंप वाला जो है वो मैंने ऐड नहीं करा इसमें। अभी इवेंट हटा के जो है बूट कैंप खेलेंगे, पर वो किसी दूसरे वीडियो में खेलेंगे। अभी जो है मेरा स्टैट काफ़ी डाउन हो गया, इसीलिए जो है मैं बस ये अनरैंक लगाया हूँ। और इसमें भी मैं यहाँ पे नोवो पे उतरने वाला हूँ। यहाँ पे अनरैंक में काफ़ी बंदे उतरेंगे क्योंकि ये फर्स्ट हॉट ड्रॉप है, तो यहाँ पे बंदे जो है वो काफ़ी ज़्यादा उतरेंगे। और यहाँ पे भी जो है वो टेस्टिंग हो जाएगी ठीक ठाक। तो चलो यहाँ पे एक ड्रॉप लेते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। और अगले वीडियो में जो है हम देखेंगे कि हम कैसे जो है ट्राई कर सकते हैं फिक्स करने का जो जैरो डिले है इस फ़ोन में, उसको थोड़ा बहुत बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं उसको हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम कुछ हद तक फिक्स कर पाते हैं जैरो डिले या फिर बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो ये अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे फिक्स करने का जैरो डिले का। अभी जो है नोवो का ड्रॉप लेते हैं और ये वीडियो को एंड करते हैं। तो हम उतर गए हैं यहाँ पे और देख सकते हो काफ़ी सारे बंदे जो आए हैं उस साइड आए हैं, इधर पीछे साइड तो नहीं आया कोई। जल्दी से गन लेते हैं और चलते हैं उधर फाइट लेने। और फुट तो आ रहा, अबे ये तो नॉक बनता है, ये लो पीछे से आ गए। यही होता है जब आप बिना हेडफोन के खेलते हो, बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं लगता कि बंदे कहाँ से आ रहे। तो ये भी हमारा जो है वो मैच ख़त्म हो चुका है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि क्या जो है वो इवेंट पे हमारा जो है फ़ोन सर्वाइव कर पाया या फिर नहीं कर पाया। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ये फ़ोन जो है वो सर्वाइव कर पाता है। थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप होता है, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा लैग होता है, पर एकदम एक्सट्रीम लैग नहीं होता। जैसे एक जगह आपने देखा था बहुत ज़्यादा लैग हुआ था, बट बाकी जगह जो है वो परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था। और आप इस पर गेम खेल सकते हो 40 FPS पर जैरो स्कोप इसमें नहीं है, और इसीलिए आप अगर जैरो प्लेयर हैं तो आप इस पर बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हैं। पर अगर आप नॉन जैरो खेलते हो तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन के लिए जा सकते हो। इस पे जो है गेम खेलने लायक है, ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम स्मूथ चलाता है इवेंट पे, लेकिन हाँ 40 से थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप होता है, पर आप इस पे बिल्कुल भी गेम खेल सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगले कुछ वीडियो में मैं इसका न्यू स्टेट टेस्ट COD टेस्ट लाने वाला हूँ।